मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य के एक राशि से दूसरी में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। दरअसल मकर संक्रांति में मकर शब्द मकर राशि का ही प्रतीक है, जबकि संक्रांति का अर्थ संक्रमण करना है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। साल 2020 में सूर्य 14 जनवरी की शाम को मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। चूंकि संक्रांति का स्नान सूर्योदय पर किया जाता है, इसलिए इस बार संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। 14 जनवरी को शाम 7:53 पर सूर्य देव धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि सूर्य का राशि परिवर्तन सूर्यास्त के बाद होगा, इसके चलते पुण्यकाल 15 जनवरी को सुबह श्रेष्ठ रहेगा। 15 जनवरी को पुण्यकाल। मकर संक्रांति का फल। छोटे व्यवसाय वालों के लिए फलदायी। वस्तुओं की लागत सस्ती होगी। बारिश के अभाव में अकाल की संभावना। पड़ोसी राष्ट्रों के बीच संघर्ष। ज्यादातर लोग ठंड खांसी से पीड़ित रहेंगे। महोदर नाम की संक्रांति में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। इस साल की मकर संक्रांति का नाम महोदर है। बुधवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में संक्रांति मनाई जाएगी। इस योग में दान पुण्य करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं राशि अनुसार क्या करे दान। मेष राशि, जल में पीले पुष्प हल्दी तिल मिलाकर अर्घ दे, तिल गुड़ का दान दे, उच्च पद की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि, जल में सफेद चंदन दुग्ध श्वेत पुष्प तिल डालकर सूर्य को अर्घ दे, बड़ी जवाबदारी मिलने और महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ होने के योग बनेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। जल में तिल दुर्वा और पुष्प मिलाकर सूर्य को अर्घ दे, गाय को हरा चारा दे, मूंग की दाल की खिचड़ी दान दे, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कर्क राशि, जल में दूध चावल तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दे, चावल मिश्रित तिल का दान दे, कलह संघर्ष व्यवधानों पर विराम लगेगा। सिंह राशि, जल में कुमकुम और रक्त पुष्प तिल डालकर सूर्य को अर्घ दे, तिल गुड़ गेहूं सोना दान दे, किसी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, जल में तिल दुर्वा पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ दे, मूंग की दाल की खिचड़ी दान दे, गाय को चारा दे, शुभ समाचार मिलेगा। तुला राशि, सफेद चंदन दूध चावल तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दे, चावल का दान दे, व्यवसाय में बाहरी संबंधों से लाभ और शत्रु अनुकूल होंगे। वृश्चिक राशि, जल में कुमकुम रक्त पुष्प और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दे, गुड़ का दान दे, विदेशी कार्यों से लाभ और विदेश यात्रा होगी। धनु राशि, जल में हल्दी केसर पीले पुष्प और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दे, विजय होगी। मकर राशि, जल में काले नीले पुष्प तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दे, गरीब अपंगों को भोजन दान दे, अधिकार प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, जल में नीले काले पुष्प काले उड़द सरसों का तेल तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दे, तेल तिल का दान दे, विरोधी परास्त होंगे, भेंट मिलेगी। मीन राशि, हल्दी केसर पीत पुष्प तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दे, सरसों केसर का दान दे, सम्मान यश बढ़ेगा।